जी आपका नाम मेरा नाम सौरभ हुआ आपका ब्रांच क्या है इस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग में यहाँ पे मैं इन्रॉल हुआ था इन हुआ अभी भी आप उसी में हाँ बिल्कुल <laughs> मैं इनरॉल खत्म करो आप चेंज हो गया ब्रांच hmm. चेंज अच्छा आप ये बताइए आप ये इस कॉलेज को क्यों चूज़ किए और अपना इस ब्रांच को आप क्यों रखें एक्चुअली टू ईयर पहले क्या हुआ था ना कि यहाँ पे सब लोग जानता है कि ये टॉप कॉलेज है वन ऑफ़ द टॉप कॉलेज अभी तो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंसलिंग में इसका नाम दिए थे स्टार्टिंग में अब अब मी को रखे थे तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट काउंसलिंग में ही मेरा ये कॉलेज मेरे को मिल गया था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑप्ट किया हम और अब उस समय से लेकर अभी तक का जर्नी सही है? है सही है आपका यू आर रैंक क्या था बिहार स्टेट में आ, मेरा यू आर रैंक था सिक्स ट्वेंटी के प्रॉक्स मतलब ओके तो आपको फर्स्ट राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ओके okay, तो आप इस ब्रांच को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे कहाँ तक क्या सोचते हैं इस ब्रांच बिल्कुल एक्चुअली में यहाँ पे है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पढ़ाई और आईटी सेक्टर या फिर सी बोल लीजिए आप लोग कि उसका भी ना बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है यहाँ पे इस कॉलेज में पहले क्या था कि यहाँ पे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो तुम्हारा आप लोग का जो कोर ब्रांच है उस पर ज़्यादा फोकस होता था लेकिन अभी इस पर भी हो रहा है तो एक्चुअली में है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग अभी आगे भी बहुत सारा जैसे कोर कंपनीज़ होता है उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि प्लेसड हो तो ज़्यादा अच्छा हो अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके इस कॉलेज में क्या है और कुछ कहीं प्लेसमेंट या कुछ बिल्कुल बिल्कुल हमारे सीनियर भी जो भी पास आउट हुए हैं उनका भी काफ़ी प्लेसमेंट वग़ैरह हुआ है तो एक्चुअली में होता है क्या ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप दोनों सेक्टर में जा सकते हैं लाइक like आई सेक्टर में भी एंड कोर ब्रांच में भी तो हम लोग का यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट होता है तो बहुत सारे जो सीनियर हैं हमारे आईटी सेक्टर में भी गए हैं एज वेल एज़ कोर में भी गए हैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल बहुत लोग आप जा सकते हो पार्क में भी जा सकते हो एंड एस uh, में भी में पार्क भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिस्ट हाँ अच्छा कोई जो इसी में कोई प्लेसमेंट हुआ कोई सीनियर का उनका क्या रहा था मैक्स टू पैकेज हाँ एक्चुअली में एक सीनियर हमारे प्लेस हुए थे अप्रॉक्स एट टू नाइन लाख पर एन उनका था कौन कितने पिछले साल यानी इसी ईयर में जो पास आउट हुए थे अभी और ये आर, यहां और यहाँ का जैसे और प्लेसमेंट को लेके मतलब क्या है सीन इस प्लेसमेंट को लेकर देखो काफ़ी ये प्लेसमेंट यहाँ पर थोड़ा है थोड़ा लेकिन कह सकते हैं हम लोग कि ऑफ कैंपस भी होते हैं और ऑन कैंपस में भी आते हैं लेकिन मीन्स उतना ज़्यादा नहीं जैसे टू टू थ्री लाख पर एन ही जाते हैं यहाँ पे ऑन कैंपस हाँ बट क्या होता है ना कि एक्चुअली मैं अभी एक्चुअली में उतना जैसे ऑन कैंपस तो नहीं है उस पर इतना फ़ोकस नहीं है लेकिन ऑन कैंपस में इतना बता सकते हैं ना कि अगर ऑन कैंपस होता है तो हमारा टू टू थ्री एवरेज जाता है पर एन बट एक्चुअली में अगर आप ऑफ कैंपस के लिए जाते हैं तो काफ़ी हमारे सीनियर हैं जो अच्छे अच्छे कंपनीज़ में प्लेसड हो गए हैं मीनस एट टू नाइन लैख पर एन में और एक और चीज़ जरिया है जो इधर हम लोग अभी बिहार सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है एक पूल कैंपस होता है वो यूनिवर्सिटी लॉन्च की है और ए लॉन्च किया है वो एक्चुअली वहाँ पर ऑफिस है ए क्यू का पटना में तो वहाँ पे पहले नोटिफिकेशन हम लोग को मिल जाता है कि आप लोग का इस डेट पे पूल कैंपस होने वाला है और हम लोग वहाँ पे जाते हैं जितना भी बीसी मतलब जी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जितना भी आते हैं कॉलेज तो मेरिट के आधार पे वहाँ पे सब लोग बैठते हैं और वहाँ पे फिर उनका सिलेक्शन होता है अच्छे अच्छे कंपनीज में जैसे अमूमन ये सुनते हैं कि बिहार के कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है हमसे ये पूछा गया बहुत बार कि बिहार के कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं है नहीं के बराबर है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है जैसे बहुत स्टूडेंट तो प्लेसमेंट को लेकर सोचते नहीं है उनका गवर्नमेंट जॉब है या और कोई भी और कोई भी चीज़ को लेकर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मानिए अगर पंद्रह स्टूडेंट सी के पंद्रह स्टूडेंट्स मानिए प्लेसमेंट को लेकर सोचे या कोई भी ब्रांच को ले कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट तो पंद्रह में कितने का प्लेसमेंट हो जाता है राउंड फिगर अप टू सिक्स टू सेवन मतलब बोल सकते हैं कि मोर देन फिफ्टी परसेंट या अराउंड फिफ्टी परसेंट का प्लेसमेंट होता है जो प्लेसमेंट को लेकर हाँ उसको लेके ले जो ज़्यादा एक्टिवली रहते हैं प्लेसमेंट को लेके तो उसमें प्लेसमेंट होता है बिल्कुल मतलब यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है अगर आप चाहें तो प्लेटी पर डिपेंड करता है अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ही है और अगर आप चाहते हैं मेरे प्लेसमेंट चाहिए तो चाहे तो आप ऑन कैंपस लो ऑफ कैंपस लो या पूल कैंपस लो प्लेसमेंट तो आपको लेना है क्योंकि वो आपका एम है ठीक है मतलब उसमें प्लेसमेंट हो रही है बिल्कुल चलिए बिल्कुल आप बताइए आपका ब्रांच कौन सा and, Electri, है इलेक्ट्रॉनिक्स 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 एंड कम्युनिकेशन आप इलेक्ट्रिक और कम्युनिकेशन क्यों लिए मतलब आपको क्या लगा इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में बोला जाता है कि इसमें दोनों साइड स्टूडेंट का ये रहता है क्या बोलते हैं आपका झुकाव झुकाव रह सकता आई टी सेक्टर, सेक्टर में भी कोर में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी है और फिर पी में भी है चारों तरफ इसका अपॉर्चुनिटी रहता अच्छा, है आप गेट को ले क्या सोचते हैं गेट में इसी के थ्रू जाते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है गेट को गेट को लेकर में भी इसी का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मतलब यहाँ से भी गेट का जो क्लास क्लासेस होता है कॉलेज के द्वारा उससे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे सीनियर लोग ने हमारे गेट क्रैक किया है और आई में एडमिशन लिया जाके पीएसयू में भी यूज में भी गए हैं बार्क में भी गए हैं बहुत सारे सीनियर अच्छा कर रहे हैं बहुत और का प्लेसमेंट भी हुआ है तो गेट का क्लास कॉलेज करवाते हैं कॉलेज की तरफ से गेट अकेडमी चल रहा है हाँ हाँ एक्चुअली हमारा कॉलेज टेक्यूब से है तो टेक्यूब के द्वारा फंड आती है जैसे गेट क्लास टेक्यूब एंड टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो सरकार से चल रही है हुँ, हुँ, हुँ. तो उसके थ्रू क्या मतलब उसके क्या बेनिफिट तो मिलती है बहुत सारे बेनिफिट है टेक्निकल एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना है जो हर वो स्टेट कॉलेजेस को सेलेक्ट करके कुछ सेलेक्टिव स्टेट कॉलेजेस को सेलेक्ट करके उसको अपलिफ्ट करने का उसको अप टू एन आई टी या ट्रिपल आई टी के लेवल का बनाने की ट्राई है हाँ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है केंद्र सरकार खुद उसमें फंड देती है टेक्निक